नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आप सबके लिए समर स्पेशल कुछ शेक्स लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये एक नहीं दो नहीं पूरे छह तरह के शेक्स की रेसिपी है। इन्हें बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही रिच टेस्टी और क्रीमी बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इन शेक्स को बनाना। सबसे पहले हम कैरेमल मिल्कशेक बनाएंगे। इसके लिए एक ब्लेंडर जार लें, उसके में आप 2 टेबलस्पून के करीब घर का बना हुआ कैरेमल सॉस डालें। ये कैरेमल सॉस का रेसिपी यदि आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। अब हम यहाँ पर करीब 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के डालेंगे और साथ ही में एकदम ठंडा चिल्ड मिल्क डालेंगे। ये मैंने करीब 200 ml लिया है। आप यहाँ पर ग्लास के मेज़रमेंट के हिसाब से दूध ले सकते हैं। अब हम ढक्कन लगाएंगे और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाए और बहुत ही स्मूथ और बढ़िया हमारा ये मिल्कशेक तैयार हो। तो इस तरह से मिल्कशेक तैयार हो गया है। अब हम एक सर्विंग ग्लास लेंगे, उसके साइड्स में हम जो कैरेमल सॉस है उसे अच्छे से लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पैटर्न बन जाता है जब हम इसमें कैरेमल मिल्कशेक को पोर करेंगे और एकदम मार्केट स्टाइल हमारा ये कैरेमल मिल्कशेक बन जाएगा। अब इसमें तैयार मिल्कशेक डालें और ठंडा ठंडा इसे सर्व करें। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है ये, मेरे बच्चों का फेवरेट मिल्कशेक है। अब हम बनाएंगे मैंगो मिल्कशेक। मैंगो मिल्कशेक के लिए 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटे हुए आम के पीसेस ले लें, उसे मिक्सर जार में डालें। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे और 2 स्कूप हम वनीला आइसक्रीम के डालेंगे। साथ ही में हम 200 ml के करीब यहाँ पर ठंडा दूध डालेंगे और इसका ढक्कन लगा के हम अच्छे से पीस लेंगे। चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर समर स्पेशल मैंगो मिल्कशेक बना सकते हैं। इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसके बाद में आप चिल्ड से सर्व करें। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिल्कशेक लगता है ये। तो इस तरह से मैंगो शेक तैयार होने के बाद में हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे और उसके बाद में ऊपर से हम मैंगो पीसेस से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसको और रिच और टेस्टी बनाने के लिए। हम बनाएंगे अब स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। इसके लिए 4 से 5 स्ट्रॉबेरी को आप धोकर काट कर एक ब्लेंडर जार में डालें। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी सॉस डालेंगे। आप यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जैम भी ले सकते हैं। अब 2 स्कूप आप वनीला आइसक्रीम के डालें और साथ ही में आधा हम बनाना डालेंगे। तो मैं बनाना इसलिए ले रही हूँ ताकि थोड़ा थिक बने और बहुत ही बढ़िया टेस्टी इसका वो टेक्सचर होता है इसका। अब 1 टेबलस्पून हम यहाँ पिसी चीनी और 200 ml हम यहाँ पर ठंडा दूध डालेंगे और ढक्कन लगा के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे ताकि हमारे पास में थिक और क्रीमी स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो जाए। ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया और जल्दी से बनने वाला मिल्कशेक है। अब हम एक सर्विंग ग्लास लेंगे और उसके साइड्स में जो हमारा स्ट्रॉबेरी सॉस है उसे गार्निश करेंगे और उसके बाद में हम तैयार किया हुआ स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक डालेंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मिल्कशेक हमारा तैयार हो गया है। इसे भी आप ठंडा ठंडा सर्व करें और इसे आप स्ट्रॉबेरी से गार्निश करें। अब हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डेट मिल्कशेक। इसके लिए 4 से 5 आप बीज निकाले हुए डेट्स जिसे हमने भिगो लिया था उसे डालें। आधा हम केला डालेंगे और साथ ही में 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर शहद डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी है, जो वर्कआउट्स करते हैं और जिम जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है ये। अब हम यहाँ पर ठंडा ठंडा दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम नहीं डाली क्योंकि ये मैंने शुगर फ्री बनाया है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप डेट्स को पहले अच्छे से भिगो दें ताकि जब हम इसे ब्लेंड करें तो अच्छे से स्मूथ ये ब्लेंड हो जाए और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी शेक हमारा बन जाए। तो इस तरह से हमारा ये डेट बनाना मिल्कशेक तैयार हो चुका है। अब हम इसे 1 सर्विंग ग्लास में डालेंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ऊपर से हम इसमें बादाम की कतरन डालेंगे ताकि ये और भी खूबसूरत और हेल्दी हो जाए। अब हम बनाएंगे ओरियो मिल्कशेक, जो कि हर किसी का फेवरेट होता है। तो 4 से 5 आप यहाँ पे ओरियो के बिस्किट लें, एक मिक्सर जार में डालें और सबसे पहले हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। अब इस पाउडर में हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी लेंगे, साथ ही में 2 स्कूप हम यहाँ पे वनीला आइसक्रीम के लेंगे, 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे चॉकलेट सॉस लेंगे और 200 ml के करीब हम यहाँ पे ठंडा दूध लेंगे और इसका ढक्कन लगा के हम अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। जब बच्चों को इवनिंग टाइम में भूख लगे तो आप इसे ज़रूर बनाएं, वे इसे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी इसे पीने से मना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से ओरियो मिल्कशेक तैयार हो चुका है। बहुत बढ़िया चॉकलेटी और थिक बनता है ये। अब हम ग्लास के साइड्स पर चॉकलेट सॉस लगाएंगे और इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया कैफे स्टाइल ओरियो मिल्कशेक तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और टेम्प्टिंग लग रहा है। आप हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और आप कौन सा आपका फ्लेवर पसंद आया हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम बनाएंगे चॉकलेट
मिल्कशेक जो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होता है। इसके लिए 2-3 टेबलस्पून हम अनस्वीटेंड कोको पाउडर को एक बोल में डालेंगे, साथ ही 2 टेबलस्पून हम गर्म पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके जो लम्ब से वह निकल जाएँ और उसके बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। तो गर्म पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अच्छे से ठंडा भी कर लें। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे, उसमें तैयार कोको पाउडर का मिक्सचर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून चीनी लेंगे, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 हम यहाँ पर वनीला आइसक्रीम के स्कूप डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर चॉकलेट सॉस डालेंगे और हम थोड़ा सा यहाँ पर चॉको चिप्स डालेंगे यदि आपको क्रंचीनेस पसंद है तो। यदि आपके पास घर पे नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 200 ml के करीब हम यहाँ पर ठंडा दूध डालेंगे और उसके बाद में ढक्कन लगा के इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया टेस्टी रिच चॉकलेट्स मिल्कशेक बनकर तैयार हो जाता है। ये बच्चों का फेवरेट होता है। आपका ये फेवरेट है या नहीं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हम इसे एक ग्लास को डेकोरेट करेंगे चॉकलेट सॉस से और उसमें ठंडा ठंडा चॉकलेट मिल्कशेक को भी पोर करके सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी मैंने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, ईजी और टेस्टी और कुछ सरल हैं और कुछ बहुत ही आसानी से हम घर पर इन्हें बना सकते हैं वह मिल्कशेक मैं आपको रेसिपीज दे रही हूँ। इस तरह से आप घर पर मिल्कशेक्स बनाएं और अपने समर्स को अच्छे से एंजॉय करें। और आपको कौन सा फ्लेवर पसंद आया है हमें ज़रूर बताएं। अब हम इसके ऊपर जो फोम बने थे वे डालें ताकि इससे और भी टेम्पटिंग लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। चोको चिप से गार्निश करें। तैयार है हमारे पास में ठंडे ठंडे 6 तरह के मिल्कशेक, जिसमें हैं ओरियो मिल्कशेक, मैंगो मिल्कशेक। अब हम यहाँ पर लाएंगे कैरेमल मिल्कशेक जो कि मेरा फेवरेट है, मेरे बच्चों का भी। साथ ही में हेल्दी और टेस्टी डेट बनाना मिल्कशेक, बच्चों का एक और फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, चॉकलेट मिल्कशेक। तो इस तरह से ठंडे ठंडे मिल्कशेक्स बनाएं। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं ताकि इसी तरह के हम और भी इजी टेस्टी रेसिपीज़ लाते रहें। थैंक यू।